हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू मधाव फॉर रिक्वेस्टिंग दिस टॉपिक। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, मैनेजमेंट के डोमेन को आगे बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट में। आज जिस कंट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड हर्बर्ट सिमंस। सो लेट अस बिगिन। तो इनके जो पांच मेजर कंट्रीब्यूशन थे और वो किस-किस कंट्रीब्यूशन किस-किस स्फीयर में आए थे, उसके बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। तो इनके जो पांच कंट्रीब्यूशंस थे वो इन पांच चीजों में थी। फर्स्ट, he gave a concept of organization. Second, decision making पे इन्होंने contribute किया था। Third was bounded rationality का concept इन्होंने दिया था। Fourth one was administrative man का एक concept दिया था इन्होंने। And the fifth one was organizational communication में भी इनका contribution था। तो अब इन पांचों contribution को हम detail में बात करते हैं। Let's begin with the first one and that is called as concept of organization. Simon ने organization को एक completely different view से देखा। उन्होंने basically ये कहा कि it is a complex network of decisional process. को पता है कि एक organization में बहुत सारे decisions लेने पड़ते हैं, बहुत सारे management decisions लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने भी आप decisions लेते हो हर level पे, चाहे functional level पे ले रहे हो, चाहे आप कॉर्पोरेट लेवल पे ले रहे हो, चाहे आप मैनेजरियल लेवल पे ले रहे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ले रहे हो, किसी भी लेवल पर आप डिसीजंस को ले रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे देख सकते हो? तो किसी आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्क की तरह देख सकते हो ऑफ डिफरेंट डिसीजनल प्रोसेस। हर जगह पर डिफरेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एक प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, और जब आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है और हम उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एवरी डिसीजन इन्फ्लुएंसेस अदर एक्टिविटीज़। हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच से रन करता है। सिस्टम अप्रोच का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा डिसीजन भी अगर आप यहाँ पर कुछ लेते हैं तो उसका कंसिक्वेंस आपको वेरियस एक्टिविटीज पे देखने को मिलता है। सिमंस ने ऑर्गेनाइजेशन को एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस की तरह भी देखा। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जितने भी डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, तो ऑब्वियसली आपको उन डिसीजंस के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो कोई डाटा हो, चाहे वो किसी तरह का कम्युनिकेशन हो। तो आपको अगर आपको डिसीजंस लेने हैं तो आपको ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन काम ये भी है कि आपको उन रिसोर्सेज को शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एवरी लेवल पे। एक और चीज जो उन्होंने यहाँ पर बताई वो ये बताई कि जो ऑर्गेनाइजेशन की फिजियोलॉजी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसको डीएनए कह सकते हैं आप, एक तरह की जो उसकी बेसिक नीड की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पाया जाता है? वो बेसिकली पाया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस ऑफ द मेंबर्स। ऑब्वियसली हम किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो इम्प्लॉयज हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, उनके डिसीजंस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, उनके कल्चर, उनकी एक्टिविटीज से काफी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो उन्होंने सिंपल नटशेल क्या बनाया, नटशेल ये बनाया कि ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर एनालाइज्ड टू फाइंड आउट वेयर एंड बाय होम डिसीजंस आर मेड। तो बेसिकली अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर फॉर्म में देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डिसीजंस कहाँ कहाँ पर लेने हैं, किस किस लेवल पर लेने हैं, एंड सेकंड उन डिसीजंस को कौन लेगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कंट्रीब्यूशन एंड दैट इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो सिमन का आया वो इसी फील्ड में आया, डिसीजन मेकिंग के ऊपर ही आया। हर्बर्ट सिमंस को नोबेल प्राइज भी मिला था डिसीजन मेकिंग के कंसेप्ट के लिए। सिमंस ने यह भी बताया दैट डिसीजन मेकिंग इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो कोर है वो डिसीजन मेकिंग है। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग सही करते हो, अच्छा करते हो, तो ऑब्वियसली आपके सारे मैनेजमेंट फंक्शंस जो है वो अच्छा काम करते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया था कि दैट मैनेजमेंट इज सिनोनिम टू डिसीजन मेकिंग। अगर आप मैनेजमेंट बोल रहे हो या आप डिसीजन मेकिंग बोल रहे हो, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है। एंड दैट इज वाई ही इज ऑल्सो रेफर्ड एज डिसीजन थ्योरिस्ट। और इसी वजह से इनको डिसीजन थ्योरिस्ट का भी नाम दिया गया, क्योंकि इन्होंने डिसीजन मेकिंग के ऊपर काफी काम किया। डिसीजन मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के अंडर उन्होंने एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बताया, जहां उन्होंने कहा कि इसको आप 3 सिक्वेंशियल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। फर्स्ट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, सेकंड इज कॉल्ड प्रोसेस फेज, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड फाइनल फेज। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इनिशियल फेज में उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप सबसे पहले इन्वायरमेंट को स्कैन करो जहां पर डिसीजंस को लेना है। आप कंडीशंस को देखो कि हम किस कंडीशंस में हमें डिसीजंस को लेना है। तो डिसीजन को लेने से पहले जो इनिशियल फेज है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट, व्हाट इज द कंडीशन इन विच वी हैव टू टेक अ डिसीजन। डिसीजन वहां पर एनवायरनमेंट डायनेमिक है, वहां पर एनवायरनमेंट स्टैटिक है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। सेकंड चीज जो प्रोसेस फेज है, वहां पर उन्होंने कहा कि आप डिजाइन करो वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस प्रोसेस को डिजाइन करो जिसके थ्रू आप प्रॉपर डिसीजन ले सको। आप एक कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करो, एक फ्लो चार्ट बनाओ,
एक कहीं ना कहीं एक प्रोसेस डेवलप करो फॉर द डिसीजन मेकिंग, और जो फाइनल स्टेप है वहां पर आप ये देखो कि जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जितने भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चॉइस अवेलेबल हैं, उनमें से सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा होगा जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। तो इस तरीके से आपको तीन फेज में डिसीजंस को देखना है। फर्स्ट में एनवायरमेंट स्कैन करना है, सेकंड में आपको प्रोसेस डेवलप करना है, और थर्ड में आपको चॉइसेस बनाने हैं, चॉइसेस में से बेस्ट चॉइस को चूज करना है। थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज बाउंडेड रैशनैलिटी। सेमन हमेशा ये मानते थे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या मैन है, दे आर नॉट कम्प्लीटली रैशनल, वो कभी भी कम्प्लीटली रैशनल नहीं हो सकते। अपने दिमाग से सोच कर ले, हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ले, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हर वो थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जो थ्योरी ये कहती थी, ये एजम्पशन में लेके चलती थी कि कम्प्लीट रैशनैलिटी होता है। मतलब ज्यादातर जो पहले की थ्योरीज आ रही थी उनका ये मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो बिल्कुल रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, बट सिमंस ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबके सब कंप्लीट रैशनैलिटी पर बेस्ड हो वो बिल्कुल भी सच बात नहीं है। एंड दैट इज व्हाई ही बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब क्या है कि मैनेजर कैन गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ डिसीजन बट दे कैन फील सेटिस्फाइड विद अ गुड इनफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द डिसीजन। ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छा डिसीजन लोगे तो ऑब्वियसली आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बट हम हर बार एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाए ये जरूरी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एक गुड इनफ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। अगर कोई डिसीजन लेने से हमें गुड इनफ सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है, गुड इनफ फीलिंग भी आ जाती है, तो हम अच्छा फील करते हैं, हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। मान लीजिए हमने कोई डिसीजन लिया और उसकी वजह से जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट 70% वैसा हो गया, तो ऑब्वियसली आप अच्छा फील करते हैं कि चलो एटलीस्ट 70% तो हुआ ना। और यहां पर उन्होंने एक बात और बताई कि बाउंडेड रैशनैलिटी में नो वन कैन टेक डिसीजन ऑन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। बेसिकली सारा अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, सारा अवेलेबल डाटा मिल जाए, सारा कम्युनिकेशन आपको मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती। इसलिए जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो सभी लोग सभी डिसीजन को सारे इंफॉर्मेशन के बेस पर लेंगे, ये बात बिल्कुल झूठ है। सो दैट इज व्हाई सिमंस बिलीव कि आप रेडिली अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन आपके पास होता है आप उसके बेस पे जो डिसीजन लेते हो, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। जो इनका फोर्थ कंसेप्ट आया, फोर्थ कंट्रीब्यूशन आया, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। तो साइमन प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन एज अ मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। उन्होंने डिसीजन मेकिंग के मॉडल में इसको प्रपोज किया था और वो कुछ फॉलोइंग एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था। एजम्पशंस की बात कर ले कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का मतलब एनीबॉडी हु इज इन पावर एंड हु इज टेकिंग डिसीजन, वो अपने सेटिस्फैक्शन अप्रोच को फॉलो करते हैं रादर देन कि वो एक मैक्सिमाइजिंग अप्रोच को फॉलो करें। मैक्सिमाइजिंग अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम हर समय ये सोच करके डिसीजन लें कि कंपनी को बहुत सारा फायदा होना चाहिए, हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हमें कई बार ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो हो सकता है इकोनॉमिकली उतने वाइबल ना हो, इकोनॉमिकली हमको बहुत फायदा ना दे, प्रॉफिट शायद उतना ना बने, बट आपको सेटिस्फैक्शन काफी देता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो है वो सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ता है रादर देन मैक्सिमाइजिंग अप्रोच की तरफ। सेकंड चीज जो उनका मानना था वो ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होते हैं उनको अपना डिसीजन हमेशा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेना चाहिए, सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिसीजंस को ले सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें। अब ज्यादातर जो पहले के थ्योरिस्ट थे दे बिलीव्ड दैट यू नीड टू लुक इनटू एवरी अल्टरनेटिव, देन इवैल्यूएट एवरी अल्टरनेटिव, देन टेक योर फाइनल डिसीजन, बट ही बिलीव्ड दैट इवन विदाउट डिटरमाइनिंग ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स आप यू कैन टेक योर डिसीजन। कहने का मतलब ये है कि आपके पास सारे अल्टरनेटिव्स ना हो बट जो आपके पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं आप उनको ही इवैल्यूएट करके एक डिसीजन ले लो, वो भी आपको काफी अच्छा सेटिस्फैक्शन देता है। तो फाइनली ही बिलीव दैट डिसीजन शुड बी रिलेटिवली वेरी सिंपल और रूल ऑफ थंब को आप फॉलो करो, ज्यादा इसमें क्रिएटिव होने की आपको जरूरत नहीं है। ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड के ट्रिक्स होते हैं उसको आप यूज कर सकते हो, शॉर्टकट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, और जो चीज आप अपने हैबिट से, मतलब आप जिस चीज आदत से मजबूर हो, तो जिस चीज को आप आदत से मजबूर आप वही काम करो। अगर आप ये सोच के चलोगे कि हम अपना एकदम बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले लेंगे तो हो सकता है कि आप वो डिसीजन कभी ले ही ना पाओ। द फिफ्थ कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब उसके बारे में बात करते हैं। साइमन ने भी काफी इंफोसाइज किया दैट कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन को लेकर बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिकेशन काफी अच्छा है एट डिफरेंट लेवल्स एंड इवन एट द सेम लेवल, तो वहां से ऑर्गेनाइजेशन को काफी फायदा मिलता है। यहां पर भी उन्होंने थ्री स्टेज एक मॉडल बताया था। द मॉडल वाज पहले इनिशिएशन होता है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन पहले स्टार्ट होती है शेयर होना कि कोई इंफॉर्मेशन आई है, कोई न्यूज आया है, कोई बात हुई है, तो आप उसको सबसे पहले इनिशिएट होता है, वो धीरे धीरे वो ट्रांसमिट होने लग जाता है
ऑन द लेवल ऑन विद इन द लेवल एंड अक्रॉस द लेवल, दोनों जगह पर आपको उनका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और फिर धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन जिस तक पहुंचनी होती है वहां तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। बट इस पूरे प्रोसेस में ऑब्वियसली आपको ब्लॉकेज भी देखने को मिलेगा, दैट टू एट ऑल द थ्री लेवल। इनिशियली लेवल पे भी हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन आ जाए, ट्रांसमिट सही तरीके से ना हो, लोग रिसीव ना कर पाए प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड दैट इज वाई फाइनली उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए। हर चीज को हम फॉर्मली कम्युनिकेट करें ये जरूरी नहीं है, आप इनफॉर्मल लेवल पे भी कई कम्युनिकेशन को कर सकते हो और वो आपकी ब्लॉकेज को काफी कम कर देता है एट ऑल द थ्री लेवल्स। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि हर्बर्ट सिमंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे और उन्होंने किस तरह से मैनेजमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए अपना योगदान दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।